बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित गया प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का नगर है। ये नगर तीन ओर से मंगला गौरी, रामशिला एवं ब्रह्म योनि पर्वतों से घिरा हुआ है। जबकि इसके पूरब में फल्गु नदी है जो रामायण में निरंजना के नाम से जाना जाता है। यहाँ का विष्णुपद मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पूज्य तीर्थ स्थल है। इसी के निकट ब्रह्मयोनि पहाड़ी है जिसके नीचे अक्षय वट वृक्ष है। ये अक्षय वट है, इनका कभी नाशमान नहीं है। जिस समय राजा दशरथ जी इधर में आए, माता सीता और राजा राम ने इन यहाँ पर पिंडदान किए। पांच को साक्षी थे, गौ, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी, ये वट वृक्ष। चार को झूठ बोले, चार को श्राप मिला। ये सत्य बोले, इनको वरदान मिला कि आप अमर रहोगे, आपका कभी नाशमान नहीं है। देश और विश्व से हिंदू यहाँ पिंड दान करने के लिए आते हैं। और फल्गु नदी में स्नान करके पूर्वजों के मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म के साथ साथ ये नगर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन काल से बौद्ध और हिंदू धर्म के अलग अलग धर्म स्थलों के लिए प्रसिद्ध रहा ये नगर अब दशरथ मांझी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया है। सदियों से प्रेम कथाएं लोगों को आकर्षित करती रही हैं। इस धरती पर कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, ना ही काल का कोई खंड ऐसा है जिसमें प्रेम में तपते प्रेमी और प्रेमिका नहीं रहे हों। हमारा इतिहास प्रेम कथाओं से भरा पड़ा है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान, तुर्की हो या ब्रिटेन, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शेरी फरहाद, सोनी महिवाल जैसे ना जाने कितनी प्रेम कहानियां आज भी जिंदा हैं।
प्रेम ही वो शक्ति थी जिसके कारण शाहजहां ने मुमताज की याद में संगमरमर का वो हसीन ताजमहल बनवाया, जिसे देखने दुनिया भर से प्रेम के दीवाने खींचे चले आते हैं। प्रेम ही वो शक्ति थी जिसके कारण फरहाद ने शीरी के लिए पहाड़ का सीना चीर कर दूध की नहरें बहा दी। ऐसी ना जाने कितनी प्रेम कथाएं इतिहास के पन्नों में दबी हैं, परंतु इतिहास के इन पन्नों से कहीं दूर आधुनिक भारत में एक और फरहाद पैदा हुआ, जिस पर किसी कवि ने कोई कविता नहीं लिखी, जिसे देखने ना तो कोई भीड़ उमड़ी, लेकिन वो अपने प्रेम के खातिर अपना काम करता रहा और 20वीं सदी के भारत का फरहाद बन गया। 20वीं सदी के इस फरहाद का नाम है दशरथ मांझी। ये लोहे जैसे इरादे वाले उस व्यक्ति का नाम है जिसने अपनी पत्नी के लिए पहाड़ काट कर एक लंबा रास्ता बना दिया। ये रास्ता आधुनिक भारत के फरहाद के प्रेम और समर्पण की अमिट छाप है। दशरथ मांझी वर्ष 1934 में बिहार के गया जिला के गहलौर गांव में बहुत ही निर्धन मंगरू मांझी के घर में पैदा हुए। गया से लगभग 18 किलोमीटर पूरब की ओर गया नवादा सड़क के उत्तर में गहलौर पहाड़ की तलहटी में बसा हुआ मांझी समाज का ये छोटा सा गांव दशरथ मांझी के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। दशरथ मांझी पढ़ नहीं सके क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चूंकि दशरथ मांझी के पिता मंगरू मांझी एक मजदूर थे, इसलिए बचपन से ही वो पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। केवल 12 वर्ष की आयु में उनकी शादी फगुनिया देवी के साथ हो गई थी। शादी के बाद जीवन यापन के लिए वो खेतों में काम करने दूसरे गांव भी जाने लगे। इसी क्रम में उन्हें पहाड़ी के दूसरी ओर जाने का मौका मिला। पहाड़ी के उस ओर जाने के लिए केवल 1.5 फीट चौड़ी एक दरार थी। संकरा रास्ता होने के कारण लोगों को तिरछे होकर उसमें से गुजरना होता था। इससे कई बार उनके शरीर पर खरोंच भी लग जाती थी। दशरथ मांझी हर रोज पहाड़ी के उस पार काम करते थे और उनकी पत्नी फगुनिया हर रोज उसी 1.5 फीट चौड़ी दरार से पार होकर उनके लिए खाना और पानी लेकर जाती थी। उन्नीस की बात है, दशरथ मांझी गहलौर पर्वत के उस पार लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते काटते दोपहर हो गई। उस दिन गर्मी अधिक होने के कारण दशरथ के होंठ प्यास से सूख रहे थे। उनकी पत्नी फगुनिया उनके लिए खाना और पानी लेकर आ रही थी। लेकिन वो पहाड़ के 1.5 फीट के दर्रे में फंस गई और फिसल कर गिर पड़ी। घड़ा फूट गया और उन्हें चोट भी आई। फगुनिया रोती बिसुरती खाना लेकर अपने पति के पास पहुंची, उन्हें सारी बात बताई। उस दिन दशरथ मांझी को प्यासा रह जाना पड़ा। उस रात दशरथ मांझी को नींद नहीं आई। मन में विचारों की आंधी चल रही थी। पूरी रात बेचैन रहे, लेकिन ये बेचैनी एक नए निश्चय के रूप में जन्म लेने लगा। सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। मन में पक्का इरादा कर लिया कि इस 1.5 फुट चौड़े गहलौर पहाड़ी के दर्रे को काटकर इतना चौड़ा कर दूंगा कि जिसमें फंसकर कोई अन्य व्यक्ति नहीं गिरे और ना ही गांव के विकास में ये बाधा बने, क्योंकि ग्रामीणों को लंबा रास्ता काटकर पहाड़ के उस पार जाना पड़ता है, इसलिए इसे काट देना ही बेहतर होगा। बस क्या था, दशरथ मांझी ने अपने इरादे को हकीकत का रंग देने के लिए अपनी बकरी बेचकर छेनी हथौड़ी खरीद ली।
उलझी हुई है रहे गुजर मकाम मेरे जवाल का है, उलझी हुई है रहे गुजर मकाम मेरे जवाल का है। ये मेरे अंदर का मगर हौसला कमाल का है, उलझे हुए है रहे गुजर। और पहाड़ी पर टूट पड़े। शुरू के कुछ दिनों तक लोग दशरथ को पागल समझते रहे। परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन दृढ़ निश्चय वाला दशरथ मांझी, जिसने कभी ना नहीं सीखा, वो क्यों मानता किसी की बात। लड़ते रहे उसके हाथ गहलोर पहाड़ की चट्टानों से, वो भी अकेले और लगातार, दिन हो या रात, धूप हो या बरसात। लेकिन जब परिवार की आर्थिक तंगी देखी नहीं गई तो पहाड़ काटने का समय बदल दिया। पहाड़ी को काटने में वो दिन का अपना पूरा समय नहीं लगाने लगे। अगर ऐसा होता तो शायद समय कम लगता। वो दिन भर मजदूरी करते और सुबह शाम पहाड़ काटते थे। वो अधिक से अधिक समय पहाड़ काटने में लगाएं, इसलिए उन्होंने अपनी झोपड़ी पहाड़ के पास ही स्थानांतरित कर ली। सूरज निकलने से पहले कटाई के काम में जुट जाते, 3-4 घंटे कटाई के बाद खेतों में काम करते और शाम को फिर पहाड़ काटने में लग जाते। सभी समझाते लेकिन बिना किसी की बात सुने हथौड़ी उठाकर चल देते पहाड़ को उसकी औकात दिखाने। पहाड़ को काटने का एक नायाब तरीका उन्होंने अपनाया। वो पहाड़ के ऊपर लकड़ियां जमा करके उस पर आग लगा देते थे और फिर उसे पानी से ठंडा कर देते। इससे पत्थर कमजोर हो जाते और छेनी हथौड़ी से उसे काटना आसान हो जाता था। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए, लेकिन चट्टान पर बैठकर उसका सीना चाक करना नहीं भूले। छेनी हथौड़ी पहाड़ पर चलती रही, काम जारी रहा। लोगों की आंखें आश्चर्य से फैलने लगी, उंगलियां दांतों तले जाने लगी। पहाड़ के उस दर्रे की जगह धीरे धीरे रास्ता बनता जा रहा था। अब लोगों ने उनका मजाक उड़ाना बंद कर दिया था। लगभग 10 साल के अथक परिश्रम के बाद लोगों को अब पहाड़ की ऊंचाई कुछ कम भी लगने लगी थी, और वह लोग जो उन्हें पागल कह रहे थे अब खामोशी से उनके काम को देखते और कुछ उनकी मदद भी करते। 22 वर्ष 1960 से 1982 तक निरंतर महाभारत के बाद पहाड़ ने घुटने टेक दिए। दशरथ की पूरी जवानी चली गई, पिता मंगरू मांझी की मृत्यु हो गई और 15वें वर्ष में फगुनिया भी साथ छोड़कर चल बसी। वही फगुनिया जिसकी पीड़ा से विचलित होकर गहलोर पर्वत को काटकर रास्ता बनाना शुरू किया था। याद में तोहरे धनिया बीतल जिंदगानिया हो, याद में तोहरे धनिया बीतल जिंदगानिया हो, छोड़लू तू काहे हमरो साथ हो, छोड़लू तू काहे हमरो साथ हो, कैसे मैं कटलू दशरथ गहलोर पहाड़िया हो, कैसे मैं कटलू दशरथ गहलोर पहाड़िया हो, कैसे बीतवलू दिन रात हो, छोड़ के तू गैलू काहे साथ हो,
बड़ी रे जतनावा से प्यार तोरे पईनी, छोड़ के जे गईनी प्यारी पागल हम भईनी। बड़ी रे जतनावा से प्यार तोरे पईनी, छोड़ के जे गईनी प्यारी पागल हम भईनी। कवन कसुरावा के दिहलू सजाइया हो, कवन कसुरावा के दिहलू सजाइया हो, गईनी छोड़ा के हमरो हा। अब 22 वर्षों के बाद रास्ता बन तो गया था, लेकिन उसे देखने के लिए, उस पर चलने के लिए उसकी पत्नी फगुनिया नहीं रही थी। और फगुनिया के साथ इस रास्ते से होकर मेला जाने का दशरथ मांझी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन वह जब लोगों को इस रास्ते से गुजरते देखते तो उन्हें असीम सुख मिलता। दशरथ मांझी ने करीब 360 फीट लंबी, 27 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी पहाड़ी को काटकर रास्ता बना दिया। इस रास्ते की वजह से अब वजीरगंज और अतरी ब्लॉक के बीच की दूरी 50 मील से सिमटकर केवल 8 मील रह गई। दशरथ मांझी कबीर पंथी थे। कबीर की ही तरह किताबों से उनका वास्ता कभी नहीं पड़ा, लेकिन प्रेम के ढाई अक्षर ऐसे पढ़े कि पहाड़ का भी सीना चीर दिया। आइए दिखाते हैं आपको वो औजार जिससे दशरथ मांझी ने गहलोर पहाड़ का सीना चाक कर दिया। यही है वो औजार, केवल छेनी और हथौड़ा, जो 22 साल तक लगातार काम करते रहे और अब उनके परिवार वालों के लिए केवल एक निशानी बनकर रह गई है। 4 फुट 2 इंच के दशरथ मांझी घुटने तक कुर्ता और धोती पहनते थे। स्थिर आंखें और सांवले रंग, सफेद उड़ती हुई दाढ़ी और सर पर जूड़े के रूप में बंधा हुआ उनका बाल उन्हें एक अलग ही रूप देता था। वो भी इसलिए कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब तक वो बैलगाड़ी आने जाने के लायक रास्ता नहीं बना लेंगे, वो बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। दशरथ मांझी ने अपनी टोपी पर अपने द्वारा किए गए काम को लिखवा रखा था। जब भी कोई जर्नलिस्ट या आम व्यक्ति उनसे मिलता तो उन्हें टोपी पर लिखी इबारत को पढ़ लेने के लिए कहते। दशरथ मांझी शाकाहारी भोजन करते थे और अपने दोनों हाथों को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते थे। दशरथ सचमुच जीवट वाले व्यक्ति थे। उनको सिर्फ पहाड़ काटकर संतोष नहीं हुआ, उन्होंने एक और ऐसा काम किया जिसे शायद ही कोई सोच सकता है। दशरथ मांझी को किसी ने कह दिया था कि दिल्ली बहुत दूर है, वहां तक कोई पैदल नहीं जा सकता। बस उसी दिन फैसला कर लिया कि वो पैदल ही दिल्ली जाएंगे। 18 फरवरी सन 1973 को वजीरगंज से रेल की पटरियों के किनारे किनारे अपनी पैदल यात्रा शुरू की। और 17 अप्रैल 1973 को वो लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने ये सफर किसी पुरस्कार के लिए नहीं किया था, बल्कि बाबू जगजीवन राम से मिलने गए थे। वो दिल्ली से वजीरगंज भी पैदल ही आना चाहते थे, लेकिन रास्ते में कुत्ते ने काट लिया, इसलिए बाबू जगजीवन राम ने पैदल जाने से मना कर दिया। गहलोर पहाड़ी के उस पार ही जब मुंगरा नदी में एक ग्रामवासी बह गया तो दशरथ मांझी ने उस नदी पर पुल बनाने की ठान ली।
और स्थानीय सहयोग से उन्होंने पुल का एक खंभा बनवा भी लिया, लेकिन बाद में जिला प्रशासन द्वारा औरोपुर गांव के निकट मुंगरा नदी पर पुल बनवा दिया गया। गहलौर पहाड़ी के उस पार ही उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पथरीली जमीन पर एक कुआं भी खोदा था, लेकिन बाद में वो भर गया और आजकल इसमें बरसात का पानी जमा हो गया है। 1994 में दशरथ मांझी श्री लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे, लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड ने उन्हें रोक लिया। इस पर दशरथ मांझी ने कहा कि अगर मैं पहाड़ को टुकड़ों के ढेर में बदल सकता हूँ तो मैं एक अन्य मार्ग को भी गिरा सकता हूँ, जो मुख्यमंत्री आवास है। दशरथ मांझी अपने द्वारा बनाए गए सड़क को पक्का कराने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से भी मिले, आश्वासन भी मिला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लालू प्रसाद यादव ने दशरथ मांझी को 5 एकड़ बंजर और विवादास्पद भूमि दे तो दी, लेकिन उस पर उनको कब्जा नहीं मिल पाया। दशरथ मांझी ने वो जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को वापस कर दिया और कहा कि मुझे जमीन नहीं चाहिए, इस पर एक अस्पताल बना दिया जाए। जनता दरबार में नीतीश कुमार दशरथ मांझी से मिलकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मांझी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। वर्तमान में बिहार की सरकार थी 2007 में, तो फरवरी के महीने में बाबा माउंटेन में दशरथ मांझी को माननीय बिहार के तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उन्होंने एक दिन के लिए कुर्सी पर बिठाया था। उसके बाद हमको संजोग से 2007 के ही मार्च महीने में 23 को गया के गांधी मैदान में उनसे 2 घंटे का हमने एक कार्यक्रम सम्मेलन हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज हम लोग किए थे। उसमें दो घंटे उनसे हम बातचीत खास किए थे, उनकी विचारधारा से अवगत होकर के हमने उनके मूवमेंट को, हमने उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए गया परमंडल के विभिन्न जिलों में उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ जुड़ करके मैं उनके विचार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि उनका विचार आगे बढ़े और इस समाज को, भैया मुसर समाज के सभी पहलुओं पर, उनके अहम बिंदुओं पर विकास का कार्य गति पकड़ सके, इसमें मैं अपना सारा योगदान समाज के बीच में रह कर रहा हूँ। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहायता से गहलौर में उसी 5 एकड़ भूमि पर अस्पताल बना दिया गया। आज हम ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जो एक महान आत्मा श्री दशरथ मांझी, स्वर्गीय दशरथ मांझी के स्मारक के रूप में इसे विकास किया गया है। दशरथ मांझी के सपना में था कि यहाँ के लोगों कैसे सुविधा दी जाए, कैसे क्या दिया जाए, और उसी संदर्भ में इस अस्पताल की स्थापना की गई और यह निरंतर प्रयास सेवा यहाँ के लोगों को दे रही है और देती रहेगी। यहाँ उन्हीं के स्मारक के रूप में 6 बेड का अतिरिक्त अस्पताल खोला गया है, जहाँ पर आधुनिक सेल कक्ष बनाया गया, प्रसव कक्ष भी यहाँ के लोगों को दिया गया। प्रसव के लिए यहाँ को काफ़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन इसके हो जाने से यहाँ के महिलाओं को प्रसव में यहाँ काफ़ी आराम मिल गया। ऑपरेशन भी, छोटा मोटा ऑपरेशन भी यहाँ जो भी संभव था हो रहा, यहाँ के जो भी चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए प्रयास किया जा रहा है कि उसको भरपूर दिया जाए, और उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि उनको यहाँ के लोगों को उनकी सेवा के अनुरूप सेवा दें। यहाँ का 6 बेड का अस्पताल बना हुआ है, बगल में आवासीय चिकित्सक का और कर्मचारियों के आवासीय सुविधा के लिए भी रखा गया है, जिससे कि यहाँ के लोगों को निरंतर 24 घंटे सेवा मिलती रहे और ये सेवा दीर्घकालीन तक मिले, ऐसी हम लोग की आकांक्षा है और ऐसा हम लोग का सोच है, और तभी उनकी आत्मा का सही श्रद्धांजलि हो सके। और गया नवादा सड़क से गहलौर तक एक पक्की सड़क भी बना दी गई। दशरथ मांझी के बनाए हुए रास्ते को पक्का कर दिया गया, जिससे 2 रास्ते निकलकर एक वजीरगंज और दूसरा पास के एक छोटे से गांव को जाता है। दशरथ मांझी के सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग मिलकर माउंटेन मैन बाबा दशरथ मांझी सेवा मिशन
के नाम से ट्रस्ट का निर्माण किया है जो कार्यरत पूरे भारत देश पर काम करेगी। और अभी फिलहाल हमारे ट्रस्ट के माध्यम से खिजासराय प्रखंड के डेमा ग्राम में 30 एकड़ जमीन पर 9.25 करोड़ रुपया की लागत से माउंटेन मैन बाबा दशरथ मांझी डिग्री कॉलेज अगस्त के अंतिम तारीख तक बिल्डिंग का निर्माण का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आने वाला समय में हमारी संस्था पूरे बिहार के प्रत्येक जिला में हमारे समाज भुइयां मूसर के लोगों के लिए भारत की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारे बच्चों बच्चियों के शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रखंड में कार्य करेगी, इसका हम लोग मॉडल तैयार कर रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी द्वारा गहलोर में ओपी का प्रस्तावित स्थल प्रदान कर दिया गया है और साथ ही साथ एक 10+2 स्कूल और एक धर्मशाला बनाने का आश्वासन भी दिया गया है। कबीरपंथी दशरथ मांझी ने गया की धरती पर सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं। उनका मानना था कि गया की भूमि पर जन सहयोग के माध्यम से वृक्षारोपण होना चाहिए। फल्गु नदी के बीच में यह बड़ा बालू का डेल्टाई क्षेत्र है, टापू है, और यहीं पर जो है 10 बीघा में पौधे लगे हैं। यह हम उनके प्रेरणा से लगाए हैं जो बाबा दशरथ मांझी पर्वत पुरुष कहे जाते हैं, वहीं का प्रेरणा से यहाँ पर आए थे और उन्होंने यह जगह को बताए थे और मुझे कहे थे, सत्येंद्र गौतम, यह जो जगह है पेड़ पौधा के लिए जगह है। आज जो है अमरूद का पेड़ फल दे रहा है, अन्य पौधे भी हैं, और जो है मेरा आगे का सोच है कि बाबा दशरथ मांझी जहाँ पर पहाड़ काट के सड़क बनाया है वहाँ पर भी जो है मैं पेड़ पौधा लगाने के लिए सोच रहा हूँ, ताकि वहाँ पर भी जो है पर्यावरण मनो ठीक ठाक रहे और वहाँ पर जो लोग देखने जाएं वो भी काफ़ी जो है वहाँ पर पेड़ पौधा के छाया में आराम करें। उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया। वो कहते थे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाओ, मुनिया बेटी को पढ़ाओ, ऐसी पक्की व्यवस्था करो कि गांव का एक भी बच्चा पढ़ने से छूट नहीं जाए। गांव गांव गली गली घूम जाओ, पर्वत पहाड़ छान मारो, सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, देखना एक भी बच्चा छूट न जाए। सबसे बड़ा बाबा दशरथ जी ने अपने समाज में जा जा करके गांव गांव में घर घूर घूर के उस शिक्षा पर बहुत बड़ा जोर दी कि कम से कम आप लोग अगर नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तब जितना भी जो है से हम आने वाला समय में जो अनुसूचित जाति का हिस्सा जो होता है से दूसरा जो अनुसूचित जाति में पढ़ लिख का डेवलप कर गया है वो आपको ले लेता है बाबू, इसीलिए उनका हम लोग का बहुत बड़ा प्रेरणा मिला और उनके रास्ता पर चलने का मैंने हम लोग संकल्प लिया हूँ। लेकिन मुसहर समाज से आने वाले दशरथ मांझी के अपने समाज में शिक्षा का स्तर केवल 2.5% है। मुसहर समाज में फैली अशिक्षा पर उन्होंने कहा, भाइयों, अगर अपना उत्थान करना और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है तो अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजो, सभी लोग भूत और दारू से छुटकारा पाओ, स्वावलंबी बनो, किसी देवता को बलि में खस्सी चढ़ाने की जरूरत नहीं। बाल बच्चा धिया पुता के देख लीजिया, जरा दुख तकलीफ दूर कर लीजिया, सबके जेब हाजिर रहतीन, सरकार हाजिर कर दिलिए है, जरा बाल बच्चा धिया पुता पर जरा ध्यान दे ले जाऊ, साल माल पर जेब गरीब से जुटले है जे हाजिर करी थी आए। इन साल के जे जुटे थो उनका मना दना के बढ़िया से घर परिवार के जे है डाक बाबा सब के जरा बढ़िया से मना करके दना करके चारों चौधरी बढ़ा करके मना दे हूँ, और सब बाल बच्चन के जरा धिया पुता के देखते सुनते चल जीता थी, जे जुटले हम अनिश गरीब से जे हाजिर के लिए इन्हें लोटा थारी हंडिया बर्तन बेच के सब बाल बच्चन के कल्याण कर दे हूँ कल बाबा। और अंधविश्वास, अंधविश्वास आज तक की भी मेरा समाज में बहुत जगह फंसा हुआ है,
लेकिन फिर भी हम लोग जनप्रतिनिधि रहला के कारण भी हम लोग समझाते हैं, और बाबा दशरथ को वो जो काम उघड़ी से किया हुआ है उसका हमने के बहुत बड़ा प्रेरणा मिला। अब अंधविश्वास का मतलब है कि हम अपना घर में छौना काट दिए, शुगर काट दिए, खस्सी काट दिए, मुर्गी काट दिए, तब इससे मतलब है कि हमारा जो है से भूत प्रेत भाग जाएगा, लेकिन वैसा बात नहीं है, वैसा बात नहीं थी, ये अंधविश्वास थी। अंधविश्वास थी कि खास करके मेरे समाज पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग में कमियाँ आ गई है, बहुत अब जाते हैं तो हम लोग की भी पास आता है उन लोग, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ, बहुत सा ऐसा केस मिला कि भूत प्रेतना के चलते कई को मतलब है कि ओझा गुरु को मतलब है कि हत्या लोग हमारे समाज ने कर दिया नहीं, उसको भी हम लोग धीरे धीरे उसको समझाएं कि नहीं भूत प्रेत कहूँ नहीं है, अगर इसमें अगर शक्ति है देवी, अगर शक्ति रहता अगर ओझा भूमि में तो बहुत कुछ कर देता है, इतना करने का आवश्यकता नहीं थी। दशरथ मांझी ने मुसहर समाज के घर घर में पूजे जाने वाले भूतों से त्रस्त होकर कहा कि भुइया के 100 घर में 1000 भूत रहते हैं और सभी भूतों को साल में 3 बार खस्सी मुर्गी चढ़ाना पड़ता है, सभी भुइया को भूत दारू और बलि की त्रिकाल फांस से बचना होगा। एक शिक्षा प्रेमी के रूप में दशरथ मांझी ने अपने गांव में प्राथमिक विद्यालय के भवन में अपनी रुचि दिखाकर शिक्षा के विकास में भी योगदान किया है। मेरा नाम मुरली मनोहर पांडे है, मैं यहां का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूं और मैं 2003 से यहां नियोजित हूँ। इस विद्यालय के बारे में मैं इतना जानता हूँ कि इस विद्यालय को स्वर्गीय श्री दशरथ मांझी के द्वारा उनके प्रयास से 1991 ईस्वी में स्थापित किया गया। तब उनका सपना रहा था कि जो हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं वो यहाँ आकर पढ़ें, शिक्षित हों, ताकि समाज, हमारे समाज का जो है सो बच्चे शिक्षित हो सकें, समाज आगे बढ़ सके, समाज का विकास हो सके, इसी के उद्देश्य से उन्होंने इसकी स्थापना की थी और लगभग उनका स्वप्न साकार होता गया और इधर इलाके के अधिकांश बच्चे तब से लगातार शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनका जो सपना था लगभग साकार होने वाला है। 2001 में बाबा ने देह मेरा ठपठपा दिया कि बेटा तुम आगे बढ़ो और अपना समाज के भी बढ़ाने के काम करो। मैं बाबा के निर्देश पर हम लोग अपना गांव में मैं स्कूल बनाया और उस बच्चे के अभी तक कोई हमारे गांव में पढ़े लिखे नहीं थे, मगर बाबा ने निर्देश दिया मैं स्कूल भी बनवाए, स्कूल बनवा कर सब बच्चे लोग पढ़ लिख रहा है और आगे बढ़ रहा है उन लोग। एक शाम बाबा दशरथ से मुलाकात हुई थी हमको, तो उसने हमसे जगह मांगे ठहरने के लिए जगह दिए, रात में उसको खाना खिलाए, खाना खिलाने के उपरांत उसे बोले बाबा कुछ खिस्सा कहानी सुनाइए, कहते बाबा ने कहा क्या करते हैं, तो बोले बाबा पढ़ते हैं, पढ़ने के उपरांत हमको बहुत सारा उपदेश दिए कि तुम पढ़ तो एक हो घर में, तुम्हारा गांव में 50 घर है तो 50 घर में एक शिक्षा का दीप जलाइए। उसके बाद हमने पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे बच्चे को शिक्षित किया, कोई रेलवे में गया, कोई आंगनबाड़ी में गया है, कोई विकास मित्र बना, कोई टोला सेवक बना है, उसका जो सपना था कथन था मैंने पूरा किया है। दशरथ मांझी पहले गहलौर घाटी में रहते थे, बाद में घाटी से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने लगे। जिसका नाम दशरथ मांझी के नाम पर दशरथ नगर रखा गया है। दशरथ नगर 10-12 हरिजन मुसहर परिवारों की एक छोटी सी बस्ती है जिसमें चापाकल लगा है, बिजली के पोल भी हैं और आम तौर पर बिजली भी आती है। उनके घर के चारों ओर केला, अमरूद और नारियल के पेड़ लगे हैं। इसी बस्ती में दशरथ मांझी के विकलांग पुत्र भागीरथ मांझी अपनी बेटी लक्ष्मी और दामाद मिथुन मांझी के साथ रहते हैं। मेरा नाम तो हुआ भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी के लड़का हूँ। हमारा बहन के नाम था लंगू देवी। घर में परिवार लोग हम लोग हैं, हमारा दामाद है, हमारा बेटी है, हमारा नतनी भी तो है। घर के स्थिति देखिए, मजदूरी कर खाते हैं, गृहस्थ की यहाँ मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। सरकार से चाहते हैं कि हम लोग के बेटी दामाद को कुछ रोजी रोटी के लिए लग जाए नौकरी, तो हम लोग को परवास्ती कुछ चलेगा। दुख है कि उनको घेरे रहता है। भागीरथ मांझी की पत्नी जो वहाँ के स्कूल में मिड डे मील बनाती थी,
वो भी इलाज के अभाव में चल बसी। भागीरथ मांझी के अनुसार दशरथ मांझी ने देश दुनिया के लिए बहुत काम किया होगा, लेकिन परिजनों के लिए कुछ भी नहीं। मैं पढ़े लिखे हूँ, इंटर करके बैठल हूँ, बायोलॉजी इस करके बैठल है। कोई अभी सरकारी नौकरी सरकार से गवर्नमेंट कुछ नहीं मिला है। मैं खेती बाड़ी करके जी रहा हूँ। खेत में काम करने जाते हैं किसान के, तब होता है कि बाबा तो इतना नाम है दुनिया में, लेकिन काम क्यों करने आते हैं खेत में? आप नौकरी मांगे सरकार ने, सरकार नौकरी देवे ना करते तो हम कहाँ से नौकरी कर सकते हैं? सरकार से चाहते यही है कि मेरा पिताजी तो विकलांग है और मैं पति और पत्नी दोनों पढ़ी लिखी कर बैठी इतना ऊंचा घर में बैठे हुए हैं, कैसा आदमी लग रहे हैं कि नहीं वो कुछ काम कर सकते थे। ऐसा गरीब है, खाने के जुटता नहीं, कपड़ा पहनने के एक बस्तर नहीं है। किसान ही काम करते हैं, 3 किलो मजदूरी देते हैं तो उन्हीं से बच्चा लोग के खिलाते हैं और पिताजी विकलांग थे उन्हीं को खिलाते हैं। ये परिवार दाने दाने को मोहताज है। पूरा परिवार टूटी फूटी झोपड़ी और इंदिरा आवास योजना में मिले एक घर में जिंदगी गुजार रहा है। क्या करें, हम पढ़ लिखे बेरोजगार हैं, हम लोग मेरे ससुर विकलांग है और इसके अलावा कुछ तुम लोग कथी हैं, गुजारिश नहीं है। मेरा पत्नी है, 2 बच्चे हैं, हम लोग बहुत ही गरीबी हालात आज की तरह से। सरकार इतना नामी कर दिए हैं, हम लोग का इतना हाईलाइट कर दिए हैं कि हाई लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्री विधायक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आए हैं, लेकिन आज तक और जहाँ हम लोग 50 साल जैसे थे आज वही स्थिति आज वही है। जहाँ तक मदद की बात है, पप्पू यादव ने 1 लाख रुपये दिए और पर डे मंथ 10,000 रुपये देने की घोषणा की थी। उन्होंने 1 महीना 10,000 रुपये भेज दें और इन्हें बीच में 1 महीना के 6,000 रुपये 2 महीना दिए। और जहाँ आमिर खान भी यहाँ आए थे, आमिर खान सत्य मंजय टू का प्रसारण के लिए गिलौर आए, उन्होंने सिर्फ एक नाम के लिए आए और उन्होंने कुछ कुछ तरह से मदद नहीं की। सरकारी सहायता की बात है तो हम जिस लायक पढ़े लिखे हैं, हम बीए किए हुए हैं, मेरा पत्नी भी आईसी किए हुए हैं, मैं सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं 1-2 लाख रुपया। मैं हिसाब से मैं जिस योग्यता के अनुसार पढ़े लिखे अनुसार से मेरा बगल हॉस्पिटल है उसमें जॉब दिया जाए, जो कि मेरे बाल बच्चे प्रसवित हो, मेरा ससुर विकलांग है, मैं उनको देखभाल कर सकें। विकलांग होने के बावजूद भागीरथ खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करने के लिए विवश है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है और ना ही कोई रोजगार मुहैया कराई गई है। लोहे जैसे इरादे वाले दशरथ मांझी लू लगने के कारण अत्री के डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने गया रेफर कर दिया। गया के जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से सलाह कर उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भिजवा दिया। पटना के डॉक्टरों ने इलाज के दौरान पाया कि वो कैंसर से ग्रसित हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की पहल पर उन्हें सरकारी खर्च पर इलाज के लिए दिल्ली रवाना कर दिया गया। वजीरगंज से रेल की पटरी के किनारे किनारे 2 महीने में दिल्ली पहुंचने वाले बाबा दशरथ इस बार राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। जा क्या रहे थे, भेजे जा रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सरकारी खर्च पर बाबा दशरथ मांझी को एम्स में 23 जुलाई 2007 को भर्ती कराया गया। कई दिनों तक मौत से संघर्ष करते रहे, लेकिन गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण मौत से हार गए। और माउंटेन कटर या माउंटेन मैन के नाम से जाने जाने वाले बाबा दशरथ मांझी का 17 अगस्त 2007 को शुक्रवार की शाम में देहांत हो गया। उनके पार्थिव शरीर को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से 18 अगस्त शनिवार को लाया गया। सरकार ने राजकीय सम्मान से उनकी अंत्येष्टि कराई। ये और अच्छा होता अगर उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के बजाय सामाजिक सम्मान के साथ उनके गांव गहलौर में ही होता और उनकी अस्थियां उसी पहाड़ी में विलीन हो जाती जहां से कर्मवीर दशरथ पैदा हुए थे। दशरथ बाबा का गांव तो अब दशरथ नगर हो गया है। इस गांव में उनके पुत्र भागीरथ मांझी अपनी बेटी लक्ष्मी और दामाद मिथुन मांझी के साथ दयनीय हालत में जीवन यापन कर रहे हैं। वजीरगंज से अत्री की दूरी कम तो हो गई, लेकिन बाबा के वंशज आज भी खुशहाली से दूर हैं। निस्वार्थ प्रेम पथ के इस पथिक के परिवार के सुध सरकार भी नहीं ले रही है। कहीं ऐसा न हो कि इतिहास के इस अंधेरे में
गुम हो जाए आधुनिक भारत के इस फरहाद के वंशज। दशरथ मांझी के अजबे कहानियाँ हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया, हो खत सौ से दुनिया, चर्चा हो खत सौ से दुनिया, हो खत सौ से दुनिया, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। कतना प्यारी रहलन दशरथ के फगुनिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। बाबा दशरथ मांझी के अजबे कहानियाँ हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। हीर रांझा रोमियो जूलियट के ऊ कैलन पीछे, साह जहाँ भी भेगिल भैया दशरथ जी के नीचे। हीर रांझा रोमियो जूलियट के ऊ कैलन पीछे, साह जहाँ भी भेगिल भैया दशरथ जी के नीचे। अरे अमर भैनी साथे उनकर रनिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। बाबा दशरथ मांझी के अजबे कहानिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। दिन बीतल हफ्ता बीतल बीतल 22 साल हो, सर्दी गर्मी रहे चाहे रहे बरसात हो। दिन बीतल हफ्ता बीतल बीतल 22 साल हो, सर्दी गर्मी रहे चाहे रहे बरसात हो। बाबा कटके रहलन गेहल और पहाड़िया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। बाबा दशरथ मांझी के अजबे कहानिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। एक दिन खातिर मुख्यमंत्री तू बन के पहलू नाम हो, गया शहर से दिल्ली गैलू पैदल पाँव हो। एक दिन खातिर मुख्यमंत्री तू बन के पहलू नाम हो, गया शहर से दिल्ली गैलू पैदल पाँव हो। दशरथ मांझी बन गेल सबके दर्शनिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। हो खत सौ से दुनिया, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। बाबा दशरथ मांझी के अजबे कहानिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। बाबा दशरथ मांझी के अजबे कहानिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया। बाबा दशरथ मांझी के अजबे कहानिया हो, चर्चा हो खत सौ से दुनिया।